ऐतिहासिक लाल चौक पे आप देख रहे हैं जैसे कि जैन साहब आदर ऐसे हो सब प्रदेश अध्यक्ष जी महामंत्री जी और लाल चौक का नजारा देखिए युवा मोर्चा की खुश राजी है ना जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता कहाँ से हो साहब आदर क्या बात है डोजर बाबा से हो आवाज देखिए लाल चौक का नजारा देखिए इस समय सुनील शर्मा साहब ये लाल चौक है ये ऐतिहासिक लाल चौक घंटाघर तिरंगे की आकृति में यहाँ जो लाइट्स पड़ रही हैं ये भव्य नजारा दृश्य नजारा हम सब देख रहे हैं और कितना शांतमय यहाँ सारा नजारा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस समय कल इसी लाल चौक में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है और जो आजादी के अमृत महोत्सव 75 वर्ष हमारे देश की स्वतंत्रता को पूरे होने के उपलक्ष में ये कार्यक्रम किया जा रहा है ये पूरा इसको और इसी लाल चौक में ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ता बहुत अच्छा शाबाश ये वो ऐतिहासिक लाल चौक है यहाँ 1990 में उस वक्त मोदी जी ने 1992 26 जनवरी को यहाँ तिरंगा झंडा फहराया था और 1992 के बाद अब 25 जुलाई 2022 30 साल बाद फिर कल यहाँ एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है इतिहास के ये पल गवाह होंगे कि इस लाल चौक में भारतीय जनता पार्टी की ये ऐतिहासिक रैली होने वाली है एक बार आप हम सब उस घंटाघर की ओर बढ़ते हैं ये वो खूबसूरत नजारा है घंटाघर वापस सर प्रीत रामा नहीं तो ये अभी यही वो लाल चौक का भव्य नजारा है जो हम सभी लोग देख रहे हैं और कल इसी लाल चौक में एक भव्य रैली भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा श्रीनगर के लाल चौक से लेकर करगिल तक आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन दिन यहाँ ये जश्न आजादी का पर्व है जब भारत देश की आजादी को हमारी स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूरे हुए और आजादी के इस जश्न में आजादी का अमृत महोत्सव जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कल उसका शुभारंभ कश्मीर घाटी के लाल चौक से यहाँ से होगा और आज इस रात के अंधेरे में आप देख सकते हैं जो जोश जज्बा यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा दिल से हिंदुस्तान से प्यार करता है हमारे पुलिस के जवान हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भारतीय सेना के जवान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब अपने देश अपने वतन से मोहब्बत करते हैं हर एक के दिल में देशभक्ति का जज्बा है और ये नज़ारा इस समय आप लाल चौक में देख रहे हैं कल इस लाल चौक में भव्य रैली तिरंगा रैली होगी जो कि अपने आप में एक इतिहास होगा सभी उस रैली के साथ जुड़े सबको मेरी तरफ से जय हिंद।